आज चरखीदादरी शहर भर में बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली गई, जो कि चरखीदादरी की गांधीनगर से लेकर खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हुई। तो वहीं आपको बता दें कि यह यात्रा चरखीदादरी के विभिन्न चौक चौराहों से निकली। तो वहीं इस दौरान वह मैन बाजार से निकली, जहां पर बाबा खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। तो वहीं भक्तजनों के द्वारा गुलाल लगाकर व ढोल नगाड़ों के साथ डीजे पर नाचकर यात्रा को भक्तिमय बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह द्वितीय निःशुल्क यात्रा सभी भक्तजनों के लिए करवाई जा रही है, जो कि राजस्थान के खाटू श्याम धाम पर लगने वाले फागुन माह मेले के लिए सभी भक्तजनों के लिए करवाई जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष जय भगवान मस्ताना ने बताया कि दादरीवासियों के सहयोग से यह दूसरी पैदल यात्रा खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हो रही है, जो कि निशुल्क है। इसमें यात्रा करने वाले भक्तजनों के से किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज श्याम बाबा की नगर व्यापार मंडल दादरी में बाबा की पैदल यात्रा निकाली जा रही है, जो खाटू धाम फ्री यात्रा करवाई जाए। जो भी यात्री जाए उसका सब खर्चा हम करेंगे और बाबा श्याम की कृपा से सब जितने भी भाई खाटू जाएंगे उनको व्यवस्था से ले जाएंगे, व्यवस्था से ले आएंगे, बढ़िया दर्शन करवाएंगे। और बाबा की ये यात्रा दूसरी यात्रा है, आगे भी ऐसी यात्रा बाबा की होती रहेंगी। और कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? ये दीपक वर्मा करवा रहे हैं गांधीनगर से, और सभी दादरी वासियों का इसमें सहयोग है। ये कम से कम 60-70 लोग दादरी से यहाँ से जाएंगे। आज कुछ काड़ा रोड से भी गए हैं, लेकिन वो अलग गए हैं, ये अलग जाएंगे। लेकिन दादरी से कम 400-500 बाबा की पैदल यात्रा करेंगे। बाबा की फागुन मेला के अवसर पर जा रहे हैं और ये 5 दिन की यात्रा है। वहाँ पे तलोट बाबा का दादरी वाले ने भंडारा भी लगा रखा है। दादरी की बाबा श्याम के प्रति बहुत ही बढ़िया रुझान है। तो वही इस यात्रा के दौरान चरखीदादरी शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन व गणमान्य लोगों के द्वारा भक्तजनों पर फूल बरसा उनका स्वागत किया गया। तो वही विभिन्न जगहों पर पानी के स्टॉल, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। वही इसी अंतर्गत शहर की सामाजिक संस्था सावरिया मित्र मंडल के द्वारा ठंडाई का प्रोग्राम किया गया। इसी के साथ साथ चरखीदादरी के महेंद्रगढ़ चौक के पास श्री श्याम सेवक सेवा शिविर लगाया गया। तो वहीं चरखीदादरी की छोटी बाजारी में माँ दुर्गा सेवक दल के सदस्यों के द्वारा ठंडाई पिलाकर भक्तजनों की सेवा की गई। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज चरखीदादरी शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए रवाना हुए हैं। मेरा नाम राजेश नागवान है जी, मैं माँ दुर्गा सेवा दल का प्रेसिडेंट हूँ। क्या कुछ किया गया आज? ये आज पद यात्रा गई है श्याम बाबा के, उनके लिए जलपान का प्रोग्राम किया गया था यहाँ पे। और हमारी 3 प्याऊएं चलती हैं माँ दुर्गा सेवा दल, सामाजिक और धार्मिक सभी कार्य में अग्रणी रहता है। गरीब लड़कियों की जैसे शादी हुई, लोगों को पीने के लिए पानी हुआ, पशुओं के लिए चारा, और अब गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए यात्रा गई है। ये खाटू श्याम के लिए यात्रा गई है जी, पद यात्रा गई है। उसमें क्या उसके जलपान का प्रोग्राम किया गया है।